हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रंगून बाबा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है और आप इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर का वो एग्ज़ाम हो, बैंकिंग सेक्टर हो या यूपीएससी से रिलेटेड हो, जैसे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से। और मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो लास्ट 4-5 मंथ में न्यूज़ में रहे हैं किसी ना किसी वजह से। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में 30 से 35 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कवर किए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था और इसके बनने के बाद कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन काफ़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस ऑफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखिए, ये काम करता है और रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज़ बनाने के लिए फॉर चिल्ड्रंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। आफ्टर दैट वीटो, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा कि हम सब लोग को पता है, और WHO रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज़ बनाने के लिए ताकि हमारा जो हेल्थ स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंक्रीज़ हो और जो पिछड़े देश हैं उनमें हेल्थ का स्टैंडर्ड बढ़े, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आफ्टर दैट WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में उन्हें मेजर करने के लिए, और इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। देखिए फ्रेंड्स, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में अप्रॉक्स 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, और मैं आगे एक वीडियो इस पर भी बनाऊँगा, ट्रिक्स टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, तो उसमें मैं ये ज़रूर कवर करूँगा। तो याद रखिए, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। आफ्टर दैट WIPO, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी। अगर मैंने कोई गाना लिखा है तो वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आफ्टर दैट WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। आफ्टर दैट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद है UNU, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके बाद है UNODC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। आगे देखते हैं, UNIDO, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसी बनाने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर द रेफ्यूजीज, और उनके लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। आफ्टर दैट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। आफ्टर दैट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। इसके बाद है ITU, दैट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आफ्टर दैट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। आफ्टर दैट वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूएसए। और देखिए, वर्ल्ड बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दे के रखा है इंडिया को, हमने सबसे ज़्यादा लोन लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। आफ्टर दैट नाटो, नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए रिलेटेड टू ओलंपिक्स
और जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं और इसे लेके जो भी मॉनिटरिंग प्रोसेस होती है वो सब IOC के हाथ में होती है, और इसका हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड। आफ्टर दैट IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड। आफ्टर दैट MSF डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, देखिए इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आफ्टर दैट ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में। उसके बाद है द कॉमनवेल्थ, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन UK। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, माफ़ कीजिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। उसके बाद है सार्क, देखिए 8 देशों का जो समूह है, इंडिया पाकिस्तान और ऐसे करके जो 8 कंट्रीज़ हैं उनका समूह है, उसे कहते हैं सार्क, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। उसके बाद आसियान, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। आफ्टर दैट एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। आफ्टर दैट NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। इसके बाद है फ्रेंड्स ADB, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि जापान डोमिनेटेड बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और उसके बाद है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK, और ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटरवेज। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट 35 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, और वही ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जो लास्ट रिसेंट 4-5 मंथ्स में न्यूज़ में रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।